हे दोस्तों, हर एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट बिजनेस के पास एक सक्सेसफुल टीम होता है जो आपको सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट ढूंढने में, उसे मेंटेन करने में और उससे लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कमाने में मदद करता है। टीम की हर एक मेंबर के पास अलग अलग टैलेंट्स होता है जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस को सही मुकाम पे पहुंचा सकते हो। एक अच्छा टीम एक बिजनेस की सबसे बड़ा लेवरेज बन सकता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो अंदर की बातें जिससे आप एक सही टीम चुन सकते हो। ये आपको बताएगा जिसको आप चुन रहे हो क्या वो विनर है या लूजर, क्योंकि आप अपनी टीम में किसी ऐरे गरे को तो डाल नहीं सकते, तो आपको टीम सही से चुनना होगा। दो तरीके के टीम मेंबर होते हैं, एक ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड, दूसरा रिलेशनशिप ओरिएंटेड। ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड लोग जब तक आपके डील में है तब तक वो आपकी मदद करेंगे। सीधी बात में कहूँ तो वो बस अपने आप को देखते हैं, मैं इसमें कितना कमाऊंगा बस। पर रिलेशनशिप ओरिएंटेड लोग ऐसा नहीं करते, वो आपके दोस्त बन जाते हैं, आपकी सारी डील में साथी होते हैं और मैजिक वहीं से शुरू होता है। अगर आपकी टीम मेंबर के साथ आपका रिलेशन अच्छा है तो वो या आप उसे अपने हर एक डील पे बुलाओगे और दोनों ही प्रॉफिट कमाओगे, जो ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड में नहीं होता। अपना पैसा ले लिया, उसके बाद मैं तुम्हें नहीं जानता। वो लोग आज एक अच्छा डील के लिए कल 50 डील खोने को तैयार है। ऐसा तो कोई पागल ही करेगा। सो आपकी सबसे पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टीम मेंबर है एक रियल एस्टेट अटॉर्नी, लॉयर। ध्यान दें, मैंने यहाँ एक रियल एस्टेट लॉयर कहा है, ना कि जस्ट एक नॉर्मल लॉयर, क्योंकि नॉर्मल लॉयर के पास रियल एस्टेट के बारे में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है। और रियल एस्टेट लॉयर का काम दूसरे लॉयर से बहुत अलग होता है। उस लॉयर को अपने टीम में नहीं रखना जो आपको हमेशा प्रॉब्लम दे, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो पाएगा। आपको एक प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए, ना कि एक प्रॉब्लम क्रिएटर। आपको एक लॉयर चाहिए जिसके पास अच्छा खासा नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड विजडम है, और वो आपको टाइम दे सकता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, उसका बेस यानी जड़ कितना गहरा है, मतलब वो कितने पावरफुल लोगों को जानता है। रियल एस्टेट में कानून से रिलेटेड प्रॉब्लम आते रहते हैं, उसे हैंडल करने के लिए आपको पावरफुल लोगों की जरूरत पड़ेगी। ये भी देखना क्या उसका कोई पास्ट बैड क्लेम्स है या उसका रिलेशन दूसरों के साथ कैसा है, और वो चार्ज कैसे करता है, हावर्ली या वीकली या दूसरे तरीके से। आपको एक वकील चाहिए जिसके पास एक अच्छा खासा नेटवर्क हो और जो रियल एस्टेट में एक्सपीरियंस्ड हो। दूसरा टीम मेंबर आपकी रियल एस्टेट ब्रोकर है। ये लोग ज्यादातर ट्रांजेक्शन ओरिएंटेड होते हैं, वो जिंदा है कमीशन के वजह से। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं, इसीलिए इनका नाम ब्रोकर है। पर हाँ, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। एक अच्छा ब्रोकर उसे ही कहेंगे जो आपके इंटरेस्ट, आपकी जरूरत और आप क्या ढूंढ रहे हो उसको अच्छे से समझे। ब्रोकर्स का मेन काम होता है बायर और सेलर को मिलाना। नॉर्मली एक डील में दो ब्रोकर्स होते हैं, एक बायर की तरफ से और दूसरा सेलर की तरफ से। पर अगर किसी डील में सिर्फ एक ब्रोकर है तो वो थोड़ी प्रॉब्लम और कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है, इसका ध्यान आपको रखना होगा। एक अच्छा ब्रोकर हमेशा रिलेशनशिप ओरिएंटेड होता है, क्योंकि वो जानता है मैं इस इन्वेस्टर की हर एक डील पा सकता हूँ। तीसरा, अकाउंटेंट। अकाउंटेंट आपकी टीम का पहला मेंबर होगा जो आपको हर तरफ से बचाएगा, लॉसेस से, टैक्सेस से। एक अच्छा अकाउंटेंट आपको कॉस्ट सेग्रेशन में, एमोटाइजेशन में एंड रिपोर्टिंग में बहुत मदद कर सकता है। अपने रियल एस्टेट बिजनेस में एक सर्टिफाइड अकाउंट चुनना ही सही होगा। चौथा, आर्किटेक्ट। एक आर्किटेक्ट जैसा कोई नहीं जो आपको क्रिएटिव तरीका बताएगा, न्यू इनोवेशन एंड मैजिक वे प्रोवाइड करेगा जो आपकी ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देगी। पर हाँ, ये चीज बहुत एक्सपेंसिव भी हो सकता है, उसका ध्यान आपको रखना होगा। इनको बिल्डिंग की कोर्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता होता है, मतलब लोकल एंड नेशनल बिल्डिंग रेगुलेशन, जो रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने बनाया है, अगर उसे अप्लाई नहीं किया तो बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। एक आर्किटेक्ट को सही से काम करने के लिए आपको उसे खोल के सब कुछ बताना होगा कि आप क्या चाहते हो इस प्रॉपर्टी से, प्लस थोड़ा और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। उसके साथ हर हफ्ते मीटिंग करो, क्या सही जा रहा है या क्या गलत, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, पेमेंट्स वगैरह। आपको बहुत सारा अच्छा आर्किटेक्ट मिल जाएगा, बट एक एक्सपीरियंस बंदे को ही चुनना अपने बिजनेस के लिए। फिफ्थ, सिविल इंजीनियर। ये बंदा उतना जरूरी नहीं है, अगर ज्यादा जरूरत पड़े तो आपकी आर्किटेक्ट आपको खबर कर देगा।
कि कब और कहाँ एक सिविल इंजीनियर की जरूरत पड़ सकता है। पर बड़ी प्रोजेक्ट में हमेशा जरूरत पड़ता है, एक्सपीरियंस्ड होगा तो अच्छा है। सिक्स्थ, प्रोफेशनल सर्वेयर। हम सब ने देखा है सर्वेयर रोड पे या किसी खाली जगह पे अपना इंस्ट्रूमेंट लेके मेजरमेंट करते हैं। उनका काम ही होता है एक परफेक्ट एंड यूनिक मेजरमेंट देना। इन सर्वे वालों का कुछ स्पेसिफिक काम होता है जो दूसरे नहीं कर सकते, जैसे प्रॉपर्टी की इन एंड आउट वेरीफाई करना, उसकी एग्जैक्ट साइज देखना, प्रॉपर्टी की लाइन एंड लोकेशन दूसरे प्रॉपर्टी से मार्क करना। अगर उसे मिलता है कोई भी प्रॉपर्टी दूसरे प्रॉपर्टी की लाइन पे है तो वो चीज़ प्रॉपर्टी की वैल्यू पे बहुत बड़ा इफेक्ट कर सकता है। वो ये भी देखता है गाड़ियों का आने जाने का रास्ता सही है कि नहीं, सारे बिल्डिंग कोड ठीक है कि नहीं। वो ट्रैफिक क्लियरिंग को भी इंश्योर करता है, जैसे स्पीड बम्प्स, स्लो ट्रैफिक, प्लेस फॉर बाइसाइकिल्स, एनवायरमेंट इंप्रूवमेंट। हर एक प्रॉपर्टी की एक अलग जरूरत होता है, इसीलिए आपको अलग से सर्वेयर चाहिए जो उसे सही से मेंटेन कर पाए। सेवेंथ, साइट असेसमेंट इंजीनियर। ये बंदा आपको ढूंढ के देगा कि साइट में कोई कोलैप्स या हैजर्ड होने का चांसेस है तो नहीं। अगर हुआ तो आपके लेंडर्स उस प्रॉपर्टी को लेने से इनकार कर सकते हैं। ये पूरी इन्वेस्टिगेशन दो फेज में होता है, फेज 1 एंड फेज 2। ये देखता है क्या कोई चीज वहां रखा है या बनाया गया है जो हैजर्ड क्रिएट कर सकता है। कुछ कुछ समय उनको कुछ सैंपल चाहिए होता है टेस्ट करने के लिए, तब वो कोर ड्रिलिंग कर सकता है। उसका ख्याल आपको रखना होगा। अगर दो फेज की रिपोर्ट सही निकला तो आपका प्रॉपर्टी एकदम सेफ है। 8th, मॉर्टेज ब्रोकर। एक मॉर्टेज ब्रोकर आपको लोन प्रोवाइड करवाता है, पर हाँ ये ध्यान में रखना होगा वो बंदा लोकल ट्रेंड से वाकिफ है या नहीं। अगर आपका प्रोजेक्ट मार्केट के हिसाब से सही नहीं है तो वो मॉर्टेज ब्रोकर को ये आपको बताना चाहिए, नहीं तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। एग्जाम्पल, कुछ लोकेशन सही है पर टाइमिंग सही नहीं है उस प्रॉपर्टी के लिए, या टाइम सही है पर लोकेशन एकदम सही नहीं है। वो ब्रोकर आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में साफ साफ बताएगा जिससे आप उसका पूरा लाभ उठा सकते हो। उनको यह भी पूछना वो क्या जानते हैं टैक्स क्रेडिट, हुड फाइनेंसिंग या उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में, जो आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा। हुड फाइनेंसिंग मतलब डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, जो उन लोगों को मॉर्टेज लोन प्रोवाइड करवाता है जो फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं या जिसका क्रेडिट बहुत पुअर है। 9th, इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस इज ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। उस एजेंट को ही चुनना जो रियल एस्टेट में स्पेशलाइज्ड है, जो आपको क्विक इंश्योरेंस करवा देगी। रियल एस्टेट में बहुत चीज़ों को इंश्योर करना पड़ता है, पर हाँ यह ध्यान में रखना उससे आपका लॉस ना हो जाए। ऐसा ना हो कि फालतू में इंश्योरेंस किया। इंश्योरेंस बहुत काम की चीज़ है, पर उसे सही से यूज करना होगा तभी आपको बेनिफिट मिलेगी। 10th, जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। कुछ लोग खुद ही कॉन्ट्रैक्टर्स का काम करते हैं जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप इन्वेस्टर हो, इन्वेस्टर ही रहो, पर आप कौन सी कॉन्ट्रैक्टर चूज करते हो वो आपकी प्रोजेक्ट की क्वालिटी के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगी। उसे एकदम मत चूज करना जिसके पास लाइसेंस नहीं है, यह वो बंदा जो खुद इंश्योर्ड नहीं है। ये ध्यान रखना कि वो गुड कंडक्टर है, सबके साथ रिलेशन अच्छा है, कि वो पेमेंट टाइम पे देता है। अगर वो अपना असिस्टेंट को या वर्कर को पैसा टाइम पे नहीं देता तो आपको ये समझ लेना चाहिए आपको कैश प्रॉब्लम हो सकता है या टाइम पे आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट ना होने का चांसेस भी है। एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट तभी सक्सेसफुल होगा जब आपकी फाइनेंशियल रिस्क, टाइम रिस्क, डिजाइन रिस्क, क्वालिटी रिस्क सबसे कम हो। उसके लिए आपको सही टीम की जरूरत पड़ेगी। चूज योर टीम वाइजली। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है 5 पिलर रियल एस्टेट बिजनेस का जो मस्ट वॉच है इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपने नहीं देखा तो यह आई बटन पर क्लिक करके देख लो, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है कैसे आप उस पिलर को तैयार कर सकते हो जो है स्ट्रेटेजी, टीम, अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग एंड टैक्सेस। रियल एस्टेट से जुड़ी और ज्यादा जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेरी है तो जरूर कमेंट में बताएं, मैं रिप्लाई करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक थम्स अप कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।